अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मियां मुदस्सिर और मेरे चैनल एक्सपर्ट वेगाबाउंड में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सबको पता है, मैं ट्राई कर रहा था मंडी बहुत दिन में बिरयानी, जो कि टेस्ट के हिसाब से भी अच्छी और बजट फ्रेंडली भी हो। इसके लिए मैंने ट्राई किए थे पहले दो रेस्टोरेंट, पहला सेकेंड वाइफ और दूसरा शहनशाह, जिसमें से शहनशाह में तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। इसलिए अब मैं तीसरा रेस्टोरेंट ट्राई करने आया हूँ, क्रिस्टल फालिया रोड पर वाकई मंडी बहुत दिन का सबसे फेमस और सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। रेट तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो ये वाइब आ रही थी, यहाँ पे मेरी दाल गल जाएगी, मुझे ये बिरयानी पसंद आएगी, ये मेरी नंबर वन बिरयानी होगी। लेकिन खैर, ये तो हमें खा के पता चलना था ये कैसी बिरयानी। आपको बताता चलो, क्रिस्टल के साथ मंडी भाव देने वाला का एक अलग ही प्रेम है। कोई भी फंक्शन हो, क्रिस्टल के बगैर वो कम्प्लीट ही नहीं होता। कोई शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिस्टल के बगैर वो कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि ये मैरिज हॉल भी है, होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। ये था इसका मेन्यू का, जिसमें पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन सारी कुजीन्स थी। लेकिन हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं खाने आया था यहाँ पे बिरयानी, तो मैंने वही टेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने मेन्यू कार्ड लिया और बिरयानी ढूंढना शुरू की। उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया बिरयानी का, साथ में चिकन कबाब का, क्योंकि पिछले रेस्टोरेंट में भी मैंने चिकन कबाब का दोनों में साथ ऑर्डर दिया था, इसलिए मैंने इसके भी साथ में, इसलिए कि हमें कंपेयर करने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद मैंने सरफराज साहब की थोड़ी वीडियो शूट की। शाह वालों ने सरफराज साहब को इतना चला दिया था कि वो बिरयानी ट्राई करना आना ही नहीं चाहते थे, वो चाह रहे थे कि बिरयानी का छोड़ देते हैं यहीं तो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले आया कि अब शुरू किया तो इसे एंड करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा सैलेड, जिसमें था मिंट रायता और सैलेड। बात ही आ गई थी हमारी बिरयानी, जो कि बड़ी जल्दी आ गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे पहले ही बनी पड़ी हो, क्योंकि बिरयानी बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी कैसे आ गई थी बिरयानी। खैर, हमने बिरयानी में चिकन को ढूंढना शुरू किया, यही ना होगा जैसे हमारे साथ पिछले में हुआ था कि चिकन के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन खैर, इसमें चिकन अच्छा खासा था, ये क्वांटिटी में भी अच्छी थी, दो बंदे आराम से खा सकते थे, फुल होके खा सकते थे। दिखने में तो अच्छी लग रही थी क्रिस्टल की बिरयानी और क्वांटिटी में भी ठीक थी। अब बारी थी ट्राई करने की, जो कि सबसे पहले सरफराज साहब ने ट्राई करना शुरू किया, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिससे मुझे समझ आ रही थी कि कुछ गलती। करने के बाद उन्होंने बताया कि ना ज्यादा बुरी है ना ज्यादा अच्छी है, बस एवरेज थी ये बिरयानी है, शायद हम इसे नंबर वन पर नहीं रख सकते। सिर्फ ये खुशी थी कि चिकन बिरयानी में चिकन मिल गया, पिछली दफ़ा की तरह नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ट्राई करना शुरू की, मुझे तो पसंद आ गई थी बिरयानी पहली बाइट में, मुझे इसका कबाब ज़्यादा पसंद आया था। कबाब मैंने हाफ प्लेट कर ली थी, क्योंकि पिछली दफ़ा ज़ाया हो गई थी, दोनों दफ़ा फुल प्लेट में 6 पीसेज होते, इसमें थ्री पीसेज ऑर्डर कर लिए थे हाफ में, जो कि काफ़ी ठीक रहा था, वेस्ट भी नहीं हुआ था। ये थी हमारी क्रिस्टल की बिरयानी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। पहले दोनों रेस्टोरेंट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा था, किसका इंटीरियर ज़्यादा अच्छा था, वो भी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके साथ ये आ गया था हमारा बिल, जो कि था 1560 रुपये का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।